हेलो एवरीवन, मैं काजल मंडल करियर फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए परसेंटेज का फोर्थ क्लास लेकर के आए हैं और आज का जो सेशन है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से टाइप वाइज स्टार्ट होगा परसेंटेज के लिए। और इससे पहले मैंने 3 क्लासेस दिए हैं, लगभग 2 से 2.5 घंटा का क्लास है टोटल और उसमें बिल्कुल बेसिक पार्ट को कंप्लीट कराया हूँ। वहाँ पर आप सभी को परसेंटेज का फ्रैक्शन, पॉइंट, डेसिमल सब कुछ बताए हैं जिससे आप मेरे ये जो सेशन अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से टाइप वाइज जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस फील कर पाएंगे क्योंकि यहीं से आपका अर्थमेटिक में कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी पर पकड़ बनाएंगे। तो परसेंटेज का एक बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैंने बेसिक पार्ट को पहले कंप्लीट कराया ताकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यह फील ना हो कि हम कुछ नहीं जानते हैं। आप सब जान चुके हैं जो एक अच्छे स्टूडेंट्स को जानना चाहिए कंपटीशन का तैयारी करने से पहले। तो परसेंटेज का कमांड करने से पहले जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को फुलफिल करा चुका हूं। अब जो क्वेश्चन सीखेंगे ना यहां से आप अपने आप को दूसरे स्टूडेंट से बहुत मजबूत समझेंगे और आप उसको बीट कर पाएंगे। तो चलिए आज से जो स्टार्ट करेंगे यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं ना, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है ना, चुटकी में बनाइएगा चुटकी में, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये तो बहुत इजी है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है क्या ना कि बोलता है यहां पर कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपया हो जाता है, तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। तो देखिए यहां पर जो 20% वेतन में वृद्धि हो जा रहा है, तो कभी भी किसी का भी कोई भी इनकम होता है, 5,000 रुपया कमाए या 50,000 रुपया कमाए, जो भी होता है उसका अपना 100% होता है। तो उसमें अगर 20% वृद्धि हो जाए, तो पहले बेसिक पार्ट में मैंने सिखाया था क्योंकि इसी से रिलेवेंट है जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं। बोला गया है कि 24,000 रुपया हो जाता है कब, जब उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। तो इनकम जो होता है ना, इनकम जो होता है, इनकम हमेशा यानी आय जो है हमेशा होता है 100%। आय क्या होता है, हमेशा 100% होता है। और उसमें 20% का अगर वृद्धि कर दिए हैं, 20% का वृद्धि किए हैं, तो 120% हो रहा है, 120% हो रहा है। तो यहां पर अगर 24,000 रुपये कब हो रहा है, एक व्यक्ति की 20% वेतन में वृद्धि प्राप्त होने पर हो रहा है, मतलब ये जो 24,000 है वो क्या है, ये 120, ये जो 24,000 है 120% है, क्योंकि 20% वृद्धि होने के बाद हुआ है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इस तुरंत चुटकी में कैसे बनाएंगे, तो ये जो दिमाग में करना था ना, ये जो पकड़ बनाना है कि ये 24,000 रुपया जो है वो कितना परसेंट है, तो 20% वेतन वृद्धि होने के बाद यानी 120%। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। चलो भाई अब सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो जब एग्जाम में कभी या ऐसा क्वेश्चन मिले तो 24,000 रुपया वो है कितना, 120%। और जो होता है, बेसिक पार्ट सिखाया हूं, जो होता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, जो बेसिक चीज है, जो टोटल होता है उसको नीचे रखते हैं। ये 24,000 अभी कितना परसेंट है, 120%, क्योंकि 100% से 20% वेतन में वृद्धि हुआ था, तो 120% है ना। अब देखिए यहां पर और बताना है कि उसका पूर्व वेतन कितना था,
पूर्व वेतन मतलब वेतन वृद्धि होने से पहले, तो पहले तो उसका इनकम 100% था ना, तो 100% यहां पर दे दिए। अब ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10 और 6 × 6 = 24, 4000 रुपया, यानी 5 × 4 = 20000 रुपया हो रहा है, यानी इसका आंसर हो गया आपका ये, यानी आंसर हो गया आपका 20000 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब जब बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा अगर आप लोगों को ये सब कमांड जब धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो भी समझ लीजिए और आप ही बनाने सीखेंगे। देखिए अब इसको जब एग्जाम में जब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, प्रैक्टिस बहुत आपका हो जाएगा, तो यहां पर आप जान गए कि वेतन वृद्धि होने के बाद 24000 रुपया जो है वो अभी क्या है, 20% वृद्धि हुआ है, यानी 120% है ना, 120% है, तो 120% है, 100 यहां पर है, हम जान रहे हैं माइंड से जब आप काम कीजिएगा ना, तो 120% यानी देखिए ये 0 × 0 = 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, यानी 5/6 है ना, मतलब 6, अगर टोटल क्या है, टोटल ये था मान लीजिए कि 100% से 20% बढ़ा है तो 6 हुआ है ना, 6 हुआ है, तो 120% यानी नीचे होगा 6 और बताना है इनकम, इनकम तो 5 था तो 5 और डायरेक्ट इसको करेंगे 6 × 6 = 24, 4000 और 5 × 6 = 20000। एग्जाम में आप ऐसे बनाइएगा, या ये लेवल तक मैं आपको ले जाना चाहता हूं, ये इस लेवल के ले आपको स्टैंडर्ड बनाना चाहता हूं, तो आप बस बने रहिए, आपको एक क्रीम स्टूडेंट बनाएंगे। तो यहां पर दोस्त अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चल भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो भाई, यहां पर क्वेश्चन है, चलो भाई अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67600 है, यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती रही है, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व, यहां पर देखिए थोड़ा सा एक स्पेलिंग मिस्टेक है, यहां पर जो है यहां पर दो वर्ष पूर्व कितनी थी। ठीक है, तो एक गांव की जनसंख्या 67000 है और यह 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 2 साल पहले बताना है, तो अभी थोड़े देर पहले जो मैंने बताया कि जो टोटल होता है उसको नीचे और जो पूर्व बताना हो रहा था, यानी 100% बताना हो तो ऊपर रख रहे थे, तो जिसको निकालना होगा उसको ऊपर और जितना होता है उसको नीचे। तो यहां पर देखिए 67000 जो है, सॉरी 676600 है ना, ये 67600 जो है वो 4% वृद्धि हो रहा था, तो 2 बार हो रहा था है ना, यहां पर 4% वर्ष दर से बढ़ती रही है, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो 104 पहले, 1 साल पहले आए तो 100, फिर 104 फिर ऊपर लाएंगे तो 100। ठीक है, अब ये इसको सॉल्यूशन करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा, लेकिन मेरा दोस्त, मेरा जो टारगेट है ना कि आपको इतना मास्टरपीस बना देना है कि आप रटे नहीं, आप इतना बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि कोई भी क्वेश्चंस को आप बना पाए, तो उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से इसका पीछे रहस्य को सिखाता हूं जिसमें आप समझ पाएंगे। मैं स्क्रीन पे लिख दे रहा हूं, पहले 67600 था, 4% का वृद्धि हो रहा था है ना, 2 साल पहले, 2 ईयर, 2 वर्ष पहले बताना है, 2 वर्ष पहले क्या जनसंख्या था वो बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, चलिए अब हम इसको बनाते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, क्या है इसके पीछे कॉन्सेप्ट। तो यहां पर देखिए 67, ये जो इन उसका शहर का जो जनसंख्या था, शहर का जो जनसंख्या था ये नहीं मालूम क्या था, जनसंख्या क्या था ये नहीं मालूम है ना, लेकिन पहला साल में 4% का वृद्धि होता है। ठीक है,
फिर क्या जनसंख्या आया है यह भी नहीं मालूम, फिर दूसरा साल भी 4% का वृद्धि होता है, दूसरा साल भी 4% का वृद्धि होता है, जिसके बाद जो जनसंख्या है वो हो जा रहा है 676600। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। शहर का जनसंख्या कुछ था नहीं मालूम, लेकिन पहला साल 4% बढ़ा, फिर कुछ हुआ होगा, फिर दूसरा साल भी 4% बढ़ा, है ना, तो उसके बाद दो साल के बाद वो जनसंख्या हो गया 67600। तो बताना है कि दो साल पहले एक साल और ये दूसरा साल पहले यहां पर जनसंख्या क्या होगा ये बताना है। तो यहां पर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो समझिए कॉन्सेप्ट को। यहां पर जनसंख्या कितना था, 100% था, है ना, उसमें 4% का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया 104%, है ना। तो यहां पर जो जनसंख्या था इसको हम 100% माने, 4% बढ़ा दिए तो यहां पर भी हो गया 104%। लेकिन अब जो है मान लीजिए कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है जनसंख्या और 4% बढ़ रहा है, तो यहां पर हम मान लीजिए 100%, तो इससे 4 बढ़ा तो इसको हम कह सकते हैं 104% किसका, इस जनसंख्या का। जैसे यहां पर इसको 100% माने थे, उसके बाद यहां पर 4% बढ़ा तो 104% हो गया। ठीक उसी तरह अगर इसको हम मन ही मन मान लेते हैं कि ये अभी 100% है, इससे 4% बढ़ा तो 104% हो गया। अब यहां से हम लोग चलेंगे रिवर्स, कैसे बनाएंगे, 676600 जो जनसंख्या है ये दो साल बाद का है और हम लोगों को दो साल पहले बताना है। तो यहां पर से जब यहां आएंगे, यहां से जब यहां आएंगे तो ये कितना है, 104% है, जो टोटल होता है, बार बार बोलते हैं उसको नीचे लिखते हैं 104। अब यहां से अगर यहां आएंगे तो यहां पर इससे 4% बढ़ा है तो 104 हुआ है, इससे 4% घटाएंगे तो 100 आएगा, तो ये वाला जनसंख्या निकल जाएगा। फिर यहां पर से हम बात करेंगे तो ये जनसंख्या इसका कितना है, तो 4% ज्यादा है, यानी ये भी जो है इससे कितना परसेंट है, 104% है, तो 104% किसका, इसका। तो यहां से जब यहां आएंगे तो यहां पर कितना माने थे, ये 100%, तो यहां पर 100 कर देंगे। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और इसी पर 2-4-5 क्वेश्चन अभी कराएंगे ना बस, उसके बाद बोलिएगा मेरे दोस्त कि आज मैंने आपको कैसा पढ़ाया, क्योंकि पढ़ाने के लिए फ्रेश माइंड होना चाहिए। आज मैं पूरे मन से आपको सिखाना चाहता हूं ये परसेंटेज को, क्योंकि मैंने 21 पेज का पीडीएफ दिया हूं, ऐसे ही नहीं दिया हूं, 2-4-5-6 पेज दे करके आपको परसेंटेज का निकाल सकते थे, लेकिन मैं क्यों दिया हूं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को यह मालूम चल जाना चाहिए कि काजल सर कितने मेहनत करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को वो किस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आज का क्लास आपको पता चल जाएगा। चलो भाई अब यहां पर ये जो है सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो कॉन्सेप्ट था, अब हम लोग यहां पर ये तो समझ गए, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो भाई यहां पर काटते हैं, तो देखो यहां पर कैसे काटेंगे, तो अगर हम इसको काटते हैं इससे तो कैसे आएगा, 104 को अगर हम 5 बार करेंगे तो 104 को 5 बार में करेंगे तो आ जाएगा 520, कितना बचा 56, है ना, 56 बचा, यानी 560 होगा। तो फिर 104 से 560 है तो फिर कितना बार में, तो 5 बार में, सर यहां पे 520 नहीं लिखना था, 676 था ना, 676600 था, तो यहां पर जो है इसको 104 को 5 बार में करेंगे तो 6 बार में, 104 को 6 बार में करेंगे तो 624, फिर यहां पर कितना बचा, तो यहां पर 52 बचा, तो फिर 104 को 5 बार करेंगे तो 52 आ जाएगा, फिर एक जीरो है,
क्लियर। अब इसको करेंगे 104 को इसको काटेंगे तो 104 छक्के है ना, 104 छक्के 624, फिर बच जाएगा आपका 26। 26 को फिर हम लोग जीरो से डिवाइड करेंगे, फिर 26 होगा यानी दो जीरो होगा, फिर यहां पर 26 तो 104 दोने 208, 104 दोने 208, क्लियर। अब यहां पर अब इसको काटेंगे तो काटेंगे तो अब यही क्वेश्चन को जो है शॉर्ट में, अब तो कॉन्सेप्ट तो सीख गए, इसको सॉल्व करेंगे आंसर लाएंगे, लेकिन कैसे अब बनाएंगे वो देखिए। अब एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन था, इस देखिए इसी क्वेश्चन पे मेहनत कर रहा हूं, बाकी सब बहुत शॉर्ट में बनाएंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि यहां से कमांड करना था ना। चलो भाई अब ये जो क्वेश्चन जो था, ये जो क्वेश्चन था है ना 67,600, तो डायरेक्ट बनाएंगे यहां पर हम लोग क्या देखेंगे 67,600 4% बढ़ा है, तो दो चार प्रतिशत वर्ष दर से बढ़ रही है, तो गांव की जनसंख्या दो वर्ष पूर्व कितना थी, तो दो साल पहले बताना है, तो दो साल पहले बताना, तो 4% का बढ़ रहा था तो 104 ऊपर में दे दिए 100, फिर नीचे में दिए 104 ऊपर में दे दिए 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 104 को 6 से गुना करेंगे तो 104 छके 624, फिर 624 हो गया तो बचा कितना 52, 52 और 0 520, तो 105 है ना 520, तो 104 पचे 520 और 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो यहां पर देखिए, अब इसको काटेंगे तो देखो 13 से 13 8 104, 13 पचे 65 0, फिर यहां पर से काटेंगे 4 से 4 दूने 8, 4 से ये 25 बार में, और फिर इसको काटेंगे 2 से तो ये 25 बार में, फिर 25 25 से 625 और 00 625 00 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो ये जो हम लोग सॉल्व किए, इसी तरह से सॉल्व करना है एग्जाम में, इसको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग धीरे धीरे। अभी देखो ये पूरा क्लास जब कंप्लीट होगा ना तो देखना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा। चलो यहां पर देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहां पर देखिए धीरे धीरे हम आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है इसमें से पता भी नहीं चल रहा, 20% 2 ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन था। चलो भाई ये जो क्वेश्चन है, एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है, घट रही, उसमें 4% की दर से बढ़ रही थी, यहां पर 20% की दर से घट रही है, तो दो वर्ष पूर्व आबादी कितनी है। बस देखो भाई कितना मजा आएगा, अब 10,000 है ना, 20% की दर से घट रही थी मतलब 80% हो जा रहा है, 100 में अगर 20% घट रहा था तो 80% हर बार हो जा रहा है, तो दो साल 20% की दर से घट रही थी तो ये कितना है अभी, यदि दो वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, दो साल पूर्व अगर आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी बताना है, तो वर्तमान आबादी बताना है। अब यहां पर देखो ये जो 10,000 जो है ये दो साल पहले था है ना, 10,000 जो है दो साल पहले था, और 20% की दर से घट रही है, तो घट रही है तो अब हम लोग आगे जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन में था क्या पहले जा रहे थे, तो जो टोटल होता है उसको नीचे लिखते हैं, तो अभी जो 10,000 है वो क्या है अभी 100% है, और 20% की दर से घट रही है तो बताना है दो वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी, मतलब बाद में बताना है, तो पहले जो था वो 100% था और उसको हम लोग 20% का दर से घटा रहे हैं, घट रही थी तो 80% हो जा रहा है, फिर इसको दो वर्ष
बात बताना है ना, 2 वर्ष पूर्व 10,000 था और 20% का दर से घट रहा है, तो प्रेजेंट बनाने के लिए दो बार करेंगे तो 80/100। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2020 कैंसिल, 2020 कैंसिल, 8/8=64/00/64। तो ये जो हम किए, इसी का अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग सोचते हैं तो देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो क्या करेंगे, जैसे यहां पर क्या बोला गया है, ये जो 10,000 यहां पे दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, 20% का दर से घट रहा है, तो कुछ जनसंख्या होगा, फिर 20% का घट रहा है तो फिर एक जनसंख्या होगा, और ये वाला बताना है। तो अभी तो ये 100% है, अब 20% घटेगा तो 80 हो जाएगा, फिर ये 100% है, 20% घटेगा तो 100% हो जाएगा, सॉरी 20% घटेगा तो 80% हो जाएगा, है ना, 80% हो जाएगा। तो अभी ये 100 है, अभी ये 100 है, जब आगे जाएंगे यहां जाएंगे तो 80 है, तो 80 में कन्वर्ट किए, फिर ये देखिए इसको हम लोग अब जो जनसंख्या, जैसे यहां पर इसको 100% माने, जब यहां पे पहुंच गए तो अब इसको 100% मानेंगे, अब यहां से 20% घटा है तो 80 हुआ है, तो फिर इसको 100 से 20% घटा के 80 किए, तो फाइनली यहां पर आ गया ये आगे का 2 साल बाद क्या होगा, यानी 2 साल पहले बताया गया था लेकिन वर्तमान आने के लिए तो 2 साल आगे जा रहे हैं ना, तो ये चीज है। अब इसका सॉल्यूशन भी हो गया है 6400, यानी आंसर होगा ए, ठीक है। अब हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, अब लेकिन इतना दिमाग लगा के नहीं बनाना है, इतना दिमाग लगा के नहीं बनाना है, आपको बेहतरीन तरीके से चुटकी में बनाना है, तो क्या माइंड में रखना है ये आप जानिए, अब क्या माइंड में रखना है, अगर रख लिए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट काम देगा। अगर आगे बढ़ेंगे, अगर राइट डायरेक्शन में जाएंगे, है ना, अगर दाहिनी ओर जा रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं, आगे का बताना है, आगे का बताना है, ठीक है, तो वृद्धि, तो वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट, या कमी प्रतिशत ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, ठीक है, ये पहला पॉइंट। और अगर पूर्व का बताना, ये तो आगे का था ना, अगर पूर्व बताना है, पहले का, पूर्व का बताना हो, पूर्व का बताना हो तो वृद्धि परसेंट या वृद्धि परसेंट या कमी प्रतिशत को नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ये नोट डाउन कर लीजिए, और इसको अगर माइंड में सेट कर लिए ना तो ये सब का जरूरत भी नहीं, और भूल गए तो इससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराए, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए अब इस पर बेस्ड हम आपको जो पॉइंट अभी लिखाए ना, क्या लिखाए कि अगर आगे का बताना है तो वृद्धि और कमी ऊपर लिखेंगे, और पहले का बताना है, पूर्व का बताना है तो वृद्धि और कमी को नीचे लिखेंगे, वृद्धि और कमी परसेंट टोटल। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए अब जो क्वेश्चन है, ये जो आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है, यहां पर देखिए कहता क्या है ना कि एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि पहली जनवरी 2001 को जनसंख्या 50,000 थी तो पहली जनवरी 2004 को, या सॉरी 50,000 नहीं 5,00,000 थी तो पहली जनवरी 2004 को कितनी थी। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, तो यहां पर देखिए 2001 से 2002, फिर 2003, फिर 2004, तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल, यानी 3 वर्ष हम लोग बढ़ रहे हैं। तो अभी जो थोड़ी देर पहले जो हम बनाए, यहां पर क्या बताए ना अभी थोड़ी देर पहले कि वृद्धि होगा या कमी होगा ऊपर लिखेंगे, अगर आगे तरफ बताना है, और वृद्धि होगा या कमी होगा अगर पूर्व बताना हो, पहले बताना हो तो नीचे लिखेंगे। इससे पहले 2-3 क्वेश्चंस कराए थे, वहां पर कॉन्सेप्ट से क्लियर कराए थे, अब जो बता रहे हैं यही सिस्टम को वहां फॉलो कीजिएगा तो फॉलो करेगा और जल्दी भी बनेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराना था, इससे पहले भी बताएं, एक
पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ अब शॉर्ट में करेंगे। तो यहां पर 5 लाख जो है ना, 4, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 5-0, यहां पर 5 लाख ही है। अब यहां पर 4% दर से वृद्धि हो रहा है, तो यहां पर 104/100 है ना, और 104/100 कर दी। इसको सॉल्व करेंगे है ना, तो आंसर आएगा आपका, यहां पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए यहां पर दिया होगा तो यहां पे देखिए इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें से मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं। यहां पर जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5,62,432, ऑप्शन क्या है, 5,62,432 है ना। तो यहां पर देखिए ये जो सॉल्व कीजिएगा ना, तो यहां पर एक नीचे जाएगा तो यहां पर एक पॉइंट आएगा यहां पर, ठीक है। तो 5,62,000, यहां पर देखिए ये जो है ना, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो 5 लाख, थोड़ा सा कैलकुलेशन हां 5,62,432 आएगा है ना, 5,62,432 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहां पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देते हैं, अगर 4% जो वृद्धि हुआ था, अगर ये बोलता कि 4% का कमी हो रहा है तो क्या करते, यहां पर कमी हो रहा है तो क्या करेंगे, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं ना तो ऊपर ही करेंगे, तो कमी हो रहा है तो यहां पर क्या लिख देते, यहां पर लिख देते 4% का कमी होता तो 96 लिखते, यहां भी 96 लिखते, यहां भी 96 लिखते, लेकिन वृद्धि हो रहा है इसलिए 104 किए, ठीक है, 100% से 4% बढ़ाए। अगर 10% का कमी होता तो यहां पे 90 लिखते। अभी क्वेश्चन आप जाएंगे, अब आप समझाएंगे नहीं, अब आपके लिए दनादन बनाएंगे और आपको भी देखिए मजा आएगा। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन है, अरे बहुत दिक्कत हो रहा है, एक नंबरिंग में है नहीं, पता नहीं चल रहा है कौन क्वेश्चन कहां पर है। चार नंबर क्वेश्चन तो हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन यानी 9261 कहां पर है, ये क्वेश्चन है, ये 5 नंबर क्वेश्चन। देखो यहां पर जो है ना, कहता है कि एक नगर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ जाती है यदि वर्तमान में 9261 है तो 3 वर्ष पूर्व बताना है। तो शुरुआत का जो 1-2 क्वेश्चन बताए थे तो वहां पे तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे, लेकिन उतना समय लेके नहीं बनाना है, डायरेक्ट बताना है। डायरेक्ट इसका आंसर सॉल्व करेंगे 9261 पूर्व बताना है, तो वृद्धि और कमी को कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। 5% का वार्षिक दर से बढ़ रही थी, तो बढ़ रही थी तो क्या हो रहा है, 105 होगा, बढ़ रही थी मतलब क्या हो गया, 100+5 105, लेकिन ये क्या है, हम नीचे क्यों लिखे, पहले क्वेश्चन में तो ऊपर लिखे थे 4% बढ़ा था, तो ऊपर लिखे थे 104 और नीचे लिखे थे, ऊपर लिखे थे 104 नीचे लिखे थे 100, क्यों, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर पूर्व जा रहे हैं, पहले जा रहे हैं, वर्तमान दिया हुआ है पूर्व का बताना है, तो ऊपर में लिखेंगे, नीचे में वृद्धि और कमी, यहां पर वृद्धि हो रहा है इसलिए यहां पर हम 105 लिखे, क्यों, क्योंकि 5% बढ़ा है तो 105, अब यहां पर ऊपर में दे देंगे 100, 3 साल पहले बोला है तो 3 × 105 100 × 105 100। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उसको अच्छे से जरूर कीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहां पे 5 से 20 बार में ये 21 बार में, 20 बार में ये 21 बार में, ये 20 बार में ये 21 बार में, 21 का क्यूब होता है 21 मतलब 21 का क्यूब इसका होता है 9261, तो ये गुना करेंगे तो 9261 आएगा, इसको डायरेक्ट कटेंगे 20 20 20 यानी 2 का क्यूब 8 और 3 0 यानी 1 2 3, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखो फटाफट बनने लग रहा है और यही लेवल मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो अब देखिए यहां पर अगर मान लीजिए कि 5% का जो कमी हो रहा था, अगर बोलता 10% का कमी, 5% का वृद्धि हो रहा है, अगर बोलता 10% का कमी हो रहा है और वर्तमान में 9261 है, अगर मान लीजिए ये बोलता कि 10% का कमी हो रहा है और वर्तमान में 9261 है तो 3 साल पहले बताना है, तो 9261 है 3 साल पहले बताना है, तो 90 लेते ऊपर 100, फिर 90 लेते ऊपर 100, फिर 90 लेते ऊपर 100, क्यों, क्योंकि वृद्धि और कमी को नीचे करेंगे अगर पूर्व का बताना है, तो
तो ये किए। अब देखिए धीरे धीरे क्वेश्चंस करते करते आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी देखिए एक दो क्वेश्चंस और कराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चंस होगा, ये क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। यहां पे बोलते हैं एक नगर की जनसंख्या 50,000 है तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में 5%, 10%, 20% की वृद्धि हुई, तो 3 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो लास्ट टाइप में क्या था, हर एक साल सेम इंक्रीज कर रहा था, यहां पर डिफरेंट दिया हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं तो वृद्धि कमी को कहां लिखेंगे, ऊपर। तो यहां पर देखिए 50,000 है, 50,000 है ना, 50,000 है, तो यहां पर क्या करेंगे, 5% का वृद्धि हो रहा है तो 100 से 105 करेंगे, फिर यहां पर 10% का वृद्धि हुआ तो 100 से 110 करेंगे, फिर बोला गया है 20% का वृद्धि तो 100 से 120 करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। वृद्धि को ऊपर लिखना है तो 100 प्लस जितना भी वृद्धि होगा जोड़ते जाएंगे, ऊपर लिखेंगे, लेकिन यहां पे हर एक बार डिफरेंट डिफरेंट था तो डिफरेंट डिफरेंट कर दिए, तो आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है तो 2020 कैंसिल, 2020 कैंसिल, 1000 कैंसिल, 5 से 5 दुने 10, 2 से इसको काटेंगे, 2 दुने 4, सॉरी 2 इसको नहीं काटेंगे, सॉरी ये नहीं काटेंगे, है ना, इसको नहीं काटेंगे, यहां पर था 105, 2 से इसको काटेंगे, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 5 10, है ना, और 2 5 10 55। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 105 को 55 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 55 से, तो 105 5 525, और फिर यहां पर भी 525, 5 7 7 5, 5 7, कुछ गड़बड़ हो गया, आप देखिए। अब इसको मल्टीप्लाई 12 से भी करना, यहां पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 7 5 को 12 से, तो 12 5 60, कैरी 6 12 7 84, 84 और 6 90, कैरी 9, 12 7 84 और 9 93, फिर 9 बचेगा, फिर यहां पर 12 5 60, 60 और 6 93 00, यानी आंसर होगा ये। तो देखिए ये कैलकुलेशन फास्ट करना है, दनादन बनेगा, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, यही से आप बनाइएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहां पर जो सवाल है ना, किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 7290 है, 7290 है, ठीक है। अब यदि प्रतिवर्ष मूल्य में 10% की कमी आ रही है, तो कमी आ रही है तो मतलब 90% हो जाएगा 10% कमी होने से, लेकिन ये क्या बता रहा है, 3 वर्ष पूर्व का मूल्य बताना है, पहले बताने से वृद्धि कमी को कहां रखते हैं, नीचे। तो यहां पर क्या करेंगे, 90 देंगे, ऊपर में 100 देंगे, 3 वर्ष पूर्व बताना है, 3 बार करेंगे 100 अपॉन 90 100 अपॉन 90। ये सबको खुद से भी प्रैक्टिस करना है। 00 कैंसल, 00 कैंसल, 00 कैंसल, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब हो जा रहा है 729, 729 कैंसिल, 2 0 है, 1 2 3 4, 10,000 आपका ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। चलिए मजा आ रहा है। अब देखिए इसी को हम लोग और आगे का क्वेश्चंस करते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, हाँ ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। कहता है कि एक नगर की जनसंख्या 10,000 है, यदि पहला वर्ष 10% जनसंख्या में वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 20% की कमी आती है, तीसरे वर्ष में 30% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। 3 साल के बाद, यानी वृद्धि और कमी ऊपर करेंगे, तो इसमें वृद्धि भी हो रहा है और कमी भी हो रहा है। तो जब वृद्धि और कमी दोनों हो, कोई बात नहीं है, हम लोगों को जैसे हम सीखे हैं वैसे ही करेंगे। 10,000 ऑलरेडी है ना, 10,000 ऑलरेडी है, ठीक है, 40। अब इसमें बोलता है यदि पहला वर्ष में 10% का वृद्धि हुआ और 3 साल के बाद बताना है, मतलब आगे का बताना है, वृद्धि कमी ऊपर लिखेंगे, तो यहां पर 110 बाई 100, फिर क्या होगा, दूसरे वर्ष 20% का कमी आ गया है तो 80 बटा 100,
फिर तीसरे वर्ष में 30% का वृद्धि हो गया, तो 130/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व जब कीजिएगा ना, तो देखिए ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ठीक है, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 8 = 104, और 104 को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, 104 और 104 यानी 1144, ठीक है, और एक जीरो था तो एक जीरो यानी 1144 यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी लग रहा है ना, अब देखिए कैसे अच्छा लग रहा होगा, धीरे धीरे आसान लग जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है आपके लिए। चलिए इस टॉपिक से, यही टाइप जो था टाइप वन का, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये वाला देखिए इसमें क्या बोला गया है, यहां पर क्या बोला गया है, यहां पे 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी है, 1980 से 1990, 1990 से 2000 तक में उस देश की आबादी 20% बढ़ी है, और 2000 से 2010 तक की उस देश की आबादी 20% बढ़ी है। तो 1980 से 2010 तक उस देश की आबादी कुल कितने प्रतिशत बढ़ी, तो यहां पर तो भाई 1980 से 2010 गया है ना, 1980 से 2010, तो 30 साल का अंतर हो जा रहा है। तो 30 साल, अब बताइए 30 बार हम लोग उस तरह से फ्रैक्शन करेंगे क्या, क्या वही सोच रहे हैं? नहीं, यहां पर देखिए 1980 से 1990 तक में, 1990 तक में सिर्फ बढ़ा है कितना, 20%। तो 20% मतलब इसको हम लोग एक बार मानेंगे, है ना, क्योंकि 10 साल में 20% वो डायरेक्ट दे दिया है, मिला जुला करके 10 साल में 20% बढ़ा है। फिर वहां पर दिया हुआ है 1990 से 2000, तो फिर एक बार बढ़ा, फिर 2000, फिर 2000 से 2010, तो उसमें भी क्या बढ़ा, फिर एक बार बढ़ा, यानी कितना हो गया, तो 3 बार हो गया। तो जब 3 बार हो गया तो हम लोग अब इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। देखिए यहां पर दिया हुआ, तो पूछा गया है कि उस देश की आबादी में कुल कितने प्रतिशत बढ़ी, तो यहां पर जनसंख्या नहीं दिया है, जनसंख्या नहीं दिया, तो मान लीजिए कि शहर की जनसंख्या 100% है, ठीक है, लेट 100% है शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या, ठीक है, मान लिए। अब पहला साल में अगर बढ़ा है, पहले 10 साल यानी एक पहला एक बार जो बढ़ा है, तो 20%, तो 120/100, ये तो अब आसान लग रहा होगा, 1990 से 2000 तक में 20%, तो 20% बढ़ी, इसमें भी बढ़ी है, तो 120/100 है ना, और 2000 से 2010 तक में उद्देश्य के बाद आबादी 20% बढ़ी है, इसमें भी इंक्रीज हुआ है, तो 120/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, दो जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, फिर एक जीरो कैंसिल हो गया। यहां पर 12 का क्यूब कितना होता है, तो 12 का क्यूब 1728 होता है, तो यहां पे एक जीरो था ना, तो एक जीरो था, तो यहां पर ये मान लीजिए देंगे, तो एक यहां पे जीरो है, तो यहां पे काट नहीं पाएंगे, यहां पे एक जीरो दे देंगे, तो 172.8 ये कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग नहीं काटेंगे, अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 172.8, ठीक है। अब ये जो है 100% से 172.8% हो गया, मतलब यहां पर 72.8% वृद्धि हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, चलिए अब ये टाइप का हम लोग समझ गए बहुत अच्छे से। आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि 4-5 बार बना लीजिएगा दोस्त, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर ये टाइप वन को अगर आप अच्छे से कर लिए तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवीजन कर लीजिएगा, फिर मेरा मेहनत बर्बाद नहीं कीजिएगा कि हम बताएं और आप मेहनत नहीं किए। अब देखिए जो क्वेश्चन होगा, अब जो है ये वाला है, ये टाइप टू का हम बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, टाइप टू में हम लोग आ गए, ठीक है। टाइप टू में क्या है, तो देखिए यहां पे दिया हुआ है कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि होती है और हर में 8% की कमी आती है, तो 15/16 हो जाता है। तो यहां पर x/y कोई भिन्न है ना, कोई भिन्न है x/y फ्रैक्शन है, और बोलता अंश में 15% का वृद्धि होता है, तो हम इसको डायरेक्ट
लिख सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देंगे, फिर शॉर्ट में भी बताएंगे। तो 15% का वृद्धि होता है, मतलब 100 से 115 हो गया। फिर यहां पर 8% का कमी होता है, तो 100 से 92 हो गया, कमी हो गया। तो कमी हो गया तो बाद का बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोग कमी हो गया या वृद्धि हो गया तो बाद का बात कर रहे हैं, तो वृद्धि कमी ऊपर शो करेंगे, नीचे में तो 100 ही देंगे क्योंकि जो भी होगा 100% होगा। और इक्वल टू बोल रहा है कि 15/16 हो जाता है वृद्धि और कमी करने के बाद। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए ये 100 और ये 100 कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे एक्स बाय वाई, तो यहां पे 115/100, ये 100 नीचे, सॉरी यहां पर एक जीरो होगा, यहां पर 115/100 और ये 100 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 92 इक्वल टू 15/16। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 0 0 कट जाता है। तो जब आप जान गए कि 100 100 कट ही जाता है, तो एग्जाम में कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को वो समझ लीजिए। जान रहे हैं वृद्धि हो रहा 15% अंश में यानी नोमिनेटर में, और 8% की कमी आ रहा हर में यानी डिनोमिनेटर में। तो जो फ्रैक्शन है एक्स बाई वाई, ऊपर में लिख देंगे 115, नीचे में लिख देंगे 92 इक्वल टू 15/16। सॉल्व कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 चौके 16, 4 से 4 दूने 8, 4 3 12, ठीक है। 23 इसको काटेंगे तो 23 से 23 5, 5 से 5 15, यानी एक्स बाई वाई इक्वल टू 3/4, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है ये, देखिए यहां पर भी वही चीज है। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5%, यहां पर देखिए थोड़ा सा मिसिंग है, 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो क्या करेंगे, एक्स बाई वाई, 20% का वृद्धि होता है अंश में तो 120 है ना, और हर में 5% की कमी हो जाता है तो 95, भिन्न बन जा रहा है 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 एकम 5, और यहां पर हो जा रहा 5 से 5 एकम 5 और 5 9 45 है ना। अब ये जो है 5 इसको काटेंगे, गड़बड़ काट दिए सॉरी, एक्स बाई वाई इंटू यहां पर आपका हो जा रहा है 120/95 इक्वल टू 5/2। तो देखिए 5 से इसको काट सकते हैं ना, 5 एकम 5 5 9 45, 5 से 5 दुने 10, 5 चौके 20, ठीक है। 24 यहां पर चला जाएगा नीचे और 19 चल जाएगा ऊपर, यानी यहां पर एक्स बाई वाई इक्वल टू हो जाएगा 19, उधर चल जाएगा 19 5 95 और 4 95/48, यानी 95/48 यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए टाइप के साथ। और आज का जितना भी टॉपिक मैं कराया हूं इसको बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, रिक्वेस्ट है, क्योंकि परसेंटेज बहुत लंबा मैंने क्वेश्चंस लिखा हुआ, बहुत क्वेश्चंस दिया हुआ हूं, अगर अच्छे से अगर ये कमांड नहीं करेंगे ना तो आप ही को दिक्कत होगा, और मैं तो पढ़ाऊंगा ही लेकिन आपको समझने में दिक्कत होगी। तो क्यों ऐसा काम करें जिससे आपको बाद में दिक्कत हो समझने में, तो मेरी मेहनत बेकार ना जाए इसलिए बिल्कुल ट्रैक पर ले जा रहे हैं। रिविजन कीजिए बार बार, इतना कॉन्फिडेंस हो जाइएगा ना यार कि कभी भी आपको मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर जैसा मैं बोल रहा हूं फॉलो करते चले जाइए। चलिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।